चलो स्टार्ट करते हैं। जो ऑनलाइन है वो शीट निकाल लेना, सॉफ्ट कॉपी, बाकी आप लोग के पास तो है हार्ड कॉपी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकेंड डिफाइन 1 वोल्ट, ये हो जाएगा 1 कूलम, 1 जूल ऑफ अर्थ इज इक्वल टू मूव अ चार्ज ऑफ 1 कूलम, देन द पोटेंशियल इज सेड टू बी 1 वोल्ट। एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ वर्क एंड चार्ज, हो जाएगा W by Q, फॉर्मूला लिखा है एक्चुअली में, ठीक है। एंड कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनर्जी कंज्यूम्ड, एनर्जी मतलब वर्क, ठीक है, इन कैरिंग अ चार्ज ऑफ 1 कूलम थ्रू अ बैटरी ऑफ 3 वोल्ट। तो 3 आपको वोल्ट दिया है, चार्ज 1 कूलम दिया है, तो वर्क निकल जाएगा, क्या आएगा इसका आंसर, 3 यूनिट जूल्स, 3 जूल्स, ठीक है, क्लियर है। सेकेंड देखो, सॉरी थर्ड, राइट ऐसा यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर, ऐसा ही बोला तो मीटर ही होता है, सेंटीमीटर नहीं, ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ इज एन एमीटर कनेक्टेड इन अ सीरीज टू मेजर करंट फ्लोइंग थ्रू इट, हाउ इज कनेक्टेड इन सीरीज, वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल एंड एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर व्हेन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज इंक्रीज्ड, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस, क्योंकि हमें पता है कि आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, नेम द फिजिकल क्वांटिटी विच इज सेम और सेकेंड डिफरेंट इन ऑल द बल्ब्स व्हेन थ्री बल्ब्स ऑफ सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, डिफरेंट वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज एंड डिफरेंट वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। सीरीज में क्या होगा, अगर सेम वोल्टेज के वो सीरीज में है तो उनका सेम करंट होगा, ठीक है, और सेम पोटेंशियल, सेम वोल्टेज के तो पोटेंशियल डिफरेंस भी सबका सेम होगा, समझ रहे। हाँ, अलग अलग वोल्टेज के होते तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होता, तो ड्रॉप भी अलग अलग होता, समझ रहे। जैसे R1 R2 सीरीज में कनेक्टेड है तो सब दोनों का अलग अलग वोल्टेज ड्रॉप निकालो कि I R1 I R2, है ना। पर अगर दोनों रेजिस्टेंस एक जैसे हैं R एंड R, तो दोनों में करंट सेम जाएगा, तो दोनों में ड्रॉप भी बराबर होगा I into R का, क्लियर है। सेकेंड देखो, कनेक्टेड इन पैरेलल बोल रहा है, सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस, करंट भी सेम जाएगा, I इज इक्वल टू V बाय R, ठीक है। नेक्स्ट, डिफरेंट वोल्टेज यानी कि बल्ब आइडेंटिकल नहीं है ना, पहले दो केस में बल्ब आइडेंटिकल थे, इसलिए सेम करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, बट अब आपका आइडेंटिकल बल्ब नहीं है तो करंट तो सेम होगा सीरीज में, भले वोल्टेज का बल्ब मतलब बल्ब अलग अलग वोल्टेज के हैं, तो करंट तो सब में सेम रहेगा बिकॉज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, बट पोटेंशियल डिफरेंस दोनों में अलग अलग होगा, वो अपन इससे निकाल सकते हैं I into R करके। अब I R1 और I R2 करोगे तो जब R1 R2 ही अलग अलग है तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग है, क्लियर है। एंड लास्ट वाले में डिफरेंट करंट सेम पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि पैरेलल में तो पैरेलल की तो प्रॉपर्टी ही है ना, डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल, पोटेंशियल डिफरेंस सबका सेम रहेगा, वैसी सीरीज की प्रॉपर्टी है, अगर डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन सीरीज तो करंट सेम रहेगा, भले वो एक जैसे डिवाइस हो या अलग अलग टाइप के डिवाइस हो, करंट सेम रहेगा, ठीक है। चलो हो जाएगा ये 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, यानी क्या हो, क्या समझ लगे, कौन सा क्वेश्चन क्यों अजीब लगा, सिर्फ चिल्ला रहा हूँ उसके बाद बोल रहा, समझ नहीं आ रहा। पावर अलग अलग, वोल्टेज बोल रहा है मतलब दो बल्ब अलग अलग पावर के, पावर अलग अलग होगा उनका तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा, और अगर वो सेम वोल्टेज के हैं तो उनका रेजिस्टेंस सेम होगा, मतलब अगर 200 वॉट के बल्ब लगा दूंगा मैं तो दोनों का सेम रेजिस्टेंस होगा ना। अपन रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, P = V² R करते हैं,
पी इज द पावर, वी वोल्टेज आर रेजिस्टेंस, तो दोनों का रेजिस्टेंस सेम आया क्योंकि दोनों का पावर सेम है। तो अगर डिफरेंट वोल्टेजेस के होंगे, इसका मतलब ये समझ लो कि अगर 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस है, 2 ओम के 2 रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 4 वोल्ट की बैटरी लगी है, तो करंट 1 एम्पियर फ्लो होगा दोनों में, 4/4 करंट 1 एम्पियर दोनों में फ्लो होगा और दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट होगा। ये फर्स्ट केस है, सेम वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, डिफरेंट वोल्टेज आर कनेक्टेड इन सीरीज, ये थर्ड क्वेश्चन। अब 4 वोल्ट करंट अभी दोनों में जाएगा 4/3 एम्पियर, बट दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा क्योंकि दोनों अलग अलग बल्ब हैं, रेजिस्टेंसेस अलग अलग होगा दोनों का, तो दोनों में वोल्टेज ड्रॉप भी अलग अलग। इसमें पार करने में काम ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा है, तो पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ ज्यादा होगा, और यह इसको पार करने में काम कम करना पड़ेगा क्योंकि बैरियर छोटा है ना, 1 ओम का बैरियर, ये 2 ओम का बैरियर, समझ रहे, इससे आधा काम करना पड़ेगा यहाँ पे, तो वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, इधर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। ठीक है, फिर जो पैरेलल वाला दो केस बोला है, अगर 2 ओम के रेजिस्टेंसेस दोनों ओम के इनको अगर आप पैरेलल में लगा दोगे, इधर 4 वोल्ट बैटरी, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 4/4 तो होगा ही क्योंकि पैरेलल है, और करंट भी दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि दोनों एक जैसे, इतना टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा, 1 ओम रेजिस्टेंस आएगा, करंट टोटल 4 एम्पियर आएगा, दोनों में 2 एम्पियर डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड तो होगा बट इक्वली डिवाइड होगा, क्यों, क्योंकि दोनों एक जैसे रेजिस्टेंस है, और वही अगर रेजिस्टेंसेस अलग अलग होते पैरेलल में, क्वेश्चन नंबर 4 उसका, तो उस केस में डिवाइड तो होता करंट बट अनइक्वल डिवीजन होता, जहां रेजिस्टेंस कम है वहां करंट ज्यादा जाता और जहां रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां करंट कम था। ठीक है, पर दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस अभी भी 4 वोल्ट। अब क्लियर है, चलो नेक्स्ट आगे, क्वेश्चन नंबर 7 रीड करेंगे सभी। अ गिवन लेंथ ऑफ अ वायर इज डबल्ड ऑन इटसेल्फ, ये क्वेश्चन मैंने एक बार दिया भी है ना, डबल्ड ऑन इटसेल्फ एंड दिस प्रोसेस इज रिपीटेड वंस अगेन, मतलब आपने डबल किया तो लेंथ आधी हुई, फिर डबल किया तो लेंथ 1/4 हो गई, बट एरिया 4 टाइम्स हो गया, समझ रहे हो, एरिया 4a हो गया और लेंथ L/4 हो गई, नया वाला लेंथ और एरिया। ठीक है, बाय व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर चेंज, तो इसको हमेशा R1 R2 लेके सॉल्व करोगे तो कभी गलती नहीं होगी। R1 ले लेना, R1 इज इक्वल्स टू रो L1/A1 एंड R2 इज इक्वल्स टू रो L1/4/4A1। क्लियर है, रेजिस्टेंस लेंथ 1/4 हो गई क्योंकि आपने उसको ऐसे फोल्ड किया तो लेंथ आधी, फिर से फोल्ड किया तो लेंथ और आधी, तो आधी की आधी 1/4 लेंथ कम हो गया है, उससे एरिया बढ़ेगा, एरिया 4 टाइम्स हो गया, पहले एरिया आपने मतलब डबल किया तो एरिया डबल हुआ, फिर से फोल्ड किया तो एरिया 4 टाइम्स हो गया, समझ रहे, इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, रो L1/16A1, रो L1/6, ये 4 नीचे आ जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा, और ये क्या है आपका R1/16, तो R2 इज इक्वल टू R1/16। R2 equals to R1 upon 16, मतलब आपका जो रेजिस्टेंस है वो 16 टाइम्स कम हो जाएगा, पहले से ये बनाया हो कॉपी में, कितने लोग बनाए हैं क्वेश्चन अभी, मैं कल जो शीट दी थी इसके बाद, तो एटलीस्ट नहीं बनाया तो अभी नोट करो, फिर लेंथ डबल ऑन पिक्सल का मतलब एरिया बढ़ेगा। ठीक है, ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट 8 देखो, 8 तो इजी है, व्हाट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इट इज अ क्लोज्ड पाथ है ना, जिसमें करंट फ्लो करेगा, और क्या क्या इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स होते हैं, एक सोर्स होगा बैटरी या सेल, फिर आपके कनेक्टिंग वायर्स होंगे, एक लोड होगा जिसमें आपको करंट
फ्लो करवाना है, आप बिना लोड के करंट थोड़ा प्रोड्यूस करोगे, आप तो किसको करंट देना चाह रहे हो? अब अगर फैन को करंट देना चाह रहे हो तो फैन विल बी द लोड, तो एक लोड बनाएंगे तो उसके अपन रेजिस्टेंस लगा देते हैं, बिकॉज हर डिवाइस का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होता है, फैन का भी रेजिस्टेंस है, लाइट का भी रेजिस्टेंस है, तो अपन इन सब डिवाइसेस को अपने सर्किट में रेजिस्टेंस की हेल्प से दिखा देते हैं, ठीक है। और क्या बोला है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एन ओपन एंड अ क्लोज सर्किट। क्या होता है ओपन सर्किट क्लोज सर्किट, मतलब अगर आपका सर्किट कंटिन्यूअस नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं से ओपन होगा, स्विच अगर उसका क्लोज नहीं है तो स्विच ओपन होगा, तो यानी कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, दैट इज नोन एज एन ओपन सर्किट, ठीक है। और क्लोज सर्किट क्या हो जाएगा, जिसमें सर्किट में आपका स्विच क्लोज है, प्लग की लगा हुआ है तो करंट फ्लो करेगा, तो उसको अपन कहते हैं क्लोज सर्किट, ठीक है। ओपन सर्किट में करंट विल बी जीरो, क्लोज सर्किट का करंट विल बी नॉन जीरो, कुछ ना कुछ करंट फ्लो करेगा, ठीक है। क्लोज पाथ चाहिए, ठीक है, करंट को फ्लो होने के लिए करंट को क्लोज पाथ चाहिए। नेक्स्ट, डिफाइन द टर्म वोल्ट, फर्स्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं इस चीज को, सेकंड क्वेश्चन में आगे, स्टेट द रिलेशन बिटवीन वर्क चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ये भी ठीक है, V is equals to W by Q. Okay. Calculate the potential difference between the two terminals of a battery. If 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb from one terminal to another. Transfer बताओ जल्दी से. 5 volt आएगा. 100 joule of work बोला है. Voltage क्या होता है आपका? Work done per unit charge. Work done is 100 joule and charge is 20 coulomb. क्या आएगा? 5 Here, हर एक चार्ज के ऊपर 5 वोल्ट काम करना पड़ेगा, तब जाके 20 कूलम चार्ज के ऊपर 100 जूल का काम होगा, 20 × 5 = 100, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ 9 ओम रेजिस्टेंस इज कट इनटू 3 इक्वल पार्ट्स, तो तीनों का रेजिस्टेंस 3 ओम हो गया। अगर आपने एक 9 ओम वायर, 9 ओम रेजिस्टेंस का अगर वायर है उसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया, मतलब आपने लेंथ उसकी डिवाइड कर दी है, तो रेजिस्टेंस भी डिवाइड हो जाएगा उतने रेशियो में, तो एंड नाउ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, मतलब 3 3 3 आर कनेक्टेड इन पैरेलल, इसका कॉम्बिनेशन क्या आएगा, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल तो उनका इक्विवेलेंट आप निकाल सकते हो 3/3 यानी कि 1 ओम, ठीक है। RP is equals to R by N. R, अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर होंगे तो ही ऐसा कर सकते हैं अपन, ठीक है, ओके। और क्या बोला है, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टर, क्या आंसर ये करने वाले हो, है ना, सर्किट बना देना 3 3 3 को लगा के, और उसके पहले बताना कि क्योंकि हमने वायर को 1/3 किया है तो रेजिस्टेंस भी सबका 1/3 हो जाएगा, तो तीन उनके तीन रेजिस्टर बन जाएंगे, क्लियर है। उसके बाद वो तीनों को पैरेलल में लगा के दिखा देना एंड देन उनका इक्विवेलेंट, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द टर्म कूलम, कूलम क्या हो जाएगा, 1 कूलम मतलब कैसे डिफाइन करेंगे कूलम, कूलम आप क्यू इज इक्वल टू एन इन टू ही तो पढ़े हैं ना, तो कूलम कैसे डिफाइन करेंगे अपन, अरे सब में तो अपन 1 1 रख देते हैं ना, आपको जैसे 1 वोल्ट डिफाइन करा था, आपने क्या किया, 1 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव 1 कूलम ऑफ चार्ज, अब 1 कूलम को डिफाइन करना था, आपको पता है कि I is equals to Q by T होता है ना, तो Q is equals to IT होगा, है ना। अगर आप करंट को 1 एम्पियर रखते हो और 1 सेकंड तक फ्लो कराते हो, इसका मतलब आप 1 कूलम चार्ज फ्लो करा रहे हो, समझ गए, तो व्हेन 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लोस फॉर 1 सेकंड टोटल चार्ज फ्लो इज 1 कूलम, इतना 1 कूलम चार्ज फ्लो किया है अगर आप 1 एम्पियर करंट 1 सेकंड में फ्लो कराते हो, क्लियर है। नेक्स्ट, या आप ऐसा भी कर सकते हो, 1 कूलम इज डिफाइंड बाय द चार्ज कंटेन्ड इन 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ये तो निकाले थे ना, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, क्यू इज इक्वल्स टू एनी करके, याद है, 1 कूलम चाहिए मुझे तो n की जगह 1.6 × 10⁻¹⁹ n तो निकालना है, 10⁻¹⁹ की जगह ये, और n निकालना है मुझे,
एन की वैल्यू निकल रही थी हमारी 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो आप यही बोल सकते हो वन कूलम ऑफ चार्ज इज इक्विवेलेंट टू चार्ज कंटेन्ड इन दिस मेनी इलेक्ट्रॉन्स। तब भी सही होगा, ठीक है। नाम लिखा था मैं, जो लोग टेस्ट लिख दे लो, मेरा नाम भी लिखा मेरे हाथ इसका पूर्व का लिखा है और दीक्षा नंदनी और कोई देख रहे हो तो सोचे क्या क्या नाम लिखे लड़कियों के हाथ में, श्रेयांश का भी नाम हो गलत ना सोचे, हर्षित का भी नाम है लड़के ना, और सोमांशु जो आज भी नहीं आया, ठीक चलो। अगला नेक्स्ट 11 का फर्स्ट हो गया। सेकंड, स्टेट द रिलेशनशिप बिटवीन द इलेक्ट्रिक करंट द चार्ज मूविंग थ्रू अ कंडक्टर एंड द टाइम ऑफ फ्लो। यही हो गया I इक्वल्स टू Q बाय T। सब टर्म समझ में आ ना क्या क्या बोल रहा है, किसके किसके बीच रिलेशनशिप निकाला, इलेक्ट्रिक करंट मतलब I, चार्ज मतलब Q, टाइम मतलब T, I Q T के बीच में ये रिलेशन होता है और कुछ नहीं पढ़ा है। उसके अलावा थर्ड पार्ट है उसका, कैलकुलेट द चार्ज पासिंग थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 20 मिनट्स इफ द वैल्यू ऑफ करंट इज 200 मिली एम्पीयर। क्या क्या दिया है, करंट आपको दिया है 200 मिली एम्पीयर, कन्वर्ट दिस इनटू एम्पीयर, 200 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पीयर, 200 इनटू 10 टू द पावर माइनस 3 एम्पीयर, ठीक है। और टाइम क्या दिया हुआ है, 20 मिनट्स, यानी कि 20 इनटू 60 यानी कि 1200 सेकेंड्स। बस चार्ज निकाल लो, चार्ज इज इक्वल टू आई इंटू टी, 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 1200, ठीक है। आप चाहो तो इसको 1/1000 लिख लो, कुछ कुछ जीरोस कैंसिल हो जाएंगे, इंटू 1200 डिवाइडेड बाय 1000, ये दो जीरो और इसके एक जीरो कैंसिल, कितना आएगा, 240 कूलम चार्ज फ्लो करना है, क्लियर है। ये था क्वेश्चन नंबर 11 का एक पार्ट ये सॉल्व किया, बाकी दो पार्ट थ्योरी हमें बता दी क्या होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हाउ इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट रिलेटेड टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ वायर। कैसा होता है करंट और इलेक्ट्रॉन का फ्लो, ऑपोजिट है ना, तो प्रॉपर उसको सेंटेंस में लिखेंगे कि करंट फ्लोस इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट इसी का बी पार्ट है, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम चार्ज पासेस थ्रू इट इन 10 मिनट्स। इसी के जैसा क्वेश्चन है, यहां करंट और टाइम दिया था चार्ज निकालना था, यहां चार्ज और टाइम दिया करंट निकालना, हो जाएगा ये वाला पार्ट, हां पक्का, इसका आंसर लिख लो, इसका आंसर आएगा, हां बोलो इसका 5/6 एम्पीयर, करंट आएगा 5/6 एम्पीयर, हाँ साफ दिख रहा ना, 500/600 करना, 10 मिनट मतलब 600 सेकंड हो गया, 10 मिनट मतलब 600 सेकंड और ऊपर 500 चार्ज है, तो 500/600 00 कैंसिल, तो क्या बचेगा 5/6 एम्पीयर, ये करंट आएगा, ठीक है, बोलना जरा। क्वेश्चन नंबर 13, एन इलेक्ट्रिक आयरन हैज अ रेटिंग 750 वॉट 220 वोल्ट, P और V दिया है, इससे I भी निकाल सकते हैं R भी निकाल सकते हैं, सबसे पहले तो ख्याल यही आना चाहिए, अगर रेटिंग दिया तो रेटिंग में दो चीज दी रहती है, पावर और वोल्टेज, वो दोनों दिया है उस डिवाइस का आयरन का, तो आपको क्या, आप क्या निकाल सकते हो, करंट भी निकाल सकते हो और रेजिस्टेंस भी निकाल सकते हो, वही पूछा भी। अब P इज इक्वल टू V इंटू I करके करंट निकाल लो, P इज इक्वल टू V इंटू I करके करंट आ जाएगा, P और V दिया है, एंड P इज इक्वल टू V स्क्वायर बाय R करके R निकाल, या V is equals to IR करके भी R निकाल सकते हो, I तो आ जाएगा ना फर्स्ट पार्ट से, तो I आ जाएगा, तो आप V is equals to IR करके भी R निकाल सकते हो, अदरवाइज ये भी सही है, क्लियर है। इसके आंसर्स लिख लो, आपको ट्राई कर लेना, इसका करंट आएगा इसका 3.40 एम्पियर और रेजिस्टेंस आएगा 64.53 ओम, और ठीक है, देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ये 13 था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पढ़िए क्वेश्चन, स्टडी द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट एंड फाइंड द करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। 10 और 20 ओम के दो रेजिस्टेंसेस लगे हुए सीरीज में, मतलब टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 30 ओम, टोटल रेजिस्टेंस विल बी
30 हो और आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया 3 वोल्ट, यानी कि 3 by 30 1/10 0.1 एम्पीयर आंसर आएगा करंट का। करंट क्या आएगा? 0.1 एम्पीयर, ठीक है। उसके बाद और क्या बोला सेकंड पार्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 10 ओम। अब यही करंट 10 से भी जाएगा, यही करंट 20 से भी जाने वाला है, तो बस आपको उसका पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, V इक्वल्स टू IR करके 1 वोल्ट। बचा हुआ जो 2 वोल्ट है वो 20 ओम वाला रेजिस्टर कंज्यूम करेगा, समझ रहे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, करंट है आपका 0.1 एम्पीयर और पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है 1 वोल्ट का, 10 के अक्रॉस 1 वोल्ट आएगा, ये आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिक करंट, इट इज द चार्ज, क्या चलेगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या फिर चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। रेट मतलब टाइम आ ही जाता है, या तो आप रेट वर्ड यूज करो या फिर चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इज करंट, वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है ना, रेट वहां पे भी है, टाइम वहां पे भी है। नेक्स्ट, नेम एंड डिफाइन इट्स एसआई यूनिट हो जाएगा, एम्पियर, एम्पियर को डिफाइन कर लेंगे और उसको डिफाइन भी हो जाएगा। नेक्स्ट, इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, ये भी क्वेश्चन मैंने दिया था ना टेस्ट में, इन अ कंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर फ्लोइंग फ्रॉम बी टू ए, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ कन्वेंशनल करंट, ए टू बी। ऐसे क्वेश्चन में पूरा पार्ट पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। अभी भी मैंने पहला वाला कल टेस्ट लिया था, उसमें आप लोग पूरा क्वेश्चन ठीक से पढ़ते नहीं हो, एक आध पार्ट तो छोड़ देते हैं लिखाई करना या उसको आंसर करना। ऐसे जब पैराग्राफ के क्वेश्चन होते हैं तो हर सेंटेंस में एक एक क्वेश्चन है और उसको हर क्वेश्चन उसके हर आंसर को अलग अलग मेंशन करना चाहिए लाइन बाय लाइन, इस पार्ट का आंसर ये है, फिर ये है। ऐसा नहीं कि एक ही पूरा पैराग्राफ बना दिया उसको पूरा पैराग्राफ में आंसर लिखिए सब पार्ट का, अगर उस क्वेश्चन में फुल स्टॉप डाल डाल के एक एक क्वेश्चन और है तो सबको अलग अलग मेंशन करो, सबके आंसर को अलग अलग दिखाओ। फिर है, अ स्टडी करंट ऑफ 1 एम्पीयर फ्लोस थ्रू अ कंडक्टर, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्लोस थ्रू एनी सेक्शन ऑफ कंडक्टर इन 1 सेकंड। कितना बोल रहा है 1 एम्पीयर 1 सेकंड मतलब 1 कूलम, 1 कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 6.25 × 10⁻¹⁸, तो प्रूफ करके निकालना है जो भी मैंने पीछे किया था, n इज इक्वल्स टू 1/1.6 × 10⁻¹⁹ दैट विल कम अप टू 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल, डिराइव इट्स एसआई यूनिट। क्वेश्चन नंबर क्या है ये 16, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए देखे थे या फिर रो इज इक्वल्स टू आर ए बाय एल। नाउ इफ एरिया इज इक्वल्स टू 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ इज इक्वल्स टू 1 मीटर, तो रो क्या हो जाएगा आर के बराबर, रो क्या हो जाएगा, तो यहीं से अपन रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर सकते हैं। क्या होगा रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर। अभी तो रेजिस्टिविटी का एक नाम और है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बिकॉज दैट इज अ रेजिस्टेंस एट अ स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ लेंथ एंड एरिया। मतलब आप लेंथ एरिया चेंज करो तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, बट रेजिस्टिविटी उसकी कॉन्स्टेंट रहेगी, बिकॉज रेजिस्टिविटी डू नॉट डिपेंड अपॉन लेंथ एंड एरिया ऑफ द वायर। क्लियर है, तो ये हो गया इसका डिफिनेशन। इसका यूनिट डिराइव करना था, यहीं से डिराइव हो जाएगा इसका यूनिट, ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, एक एक मीटर कैंसल, ओम मीटर, ठीक है। नेक्स्ट, इसी का कुछ और पार्ट भी बचा है क्या, नहीं हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, राइट 2 पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पावर। पावर और एनर्जी में क्या डिफरेंस होता है, एनर्जी अपॉन टाइम करोगे तब पावर आता है, राइट। तो फॉर्मूला लिख सकते हैं अपन, पी इज इक्वल्स टू, ये सब एनर्जी का फॉर्मूला है ना, एच इज, या फिर पी इज, सॉरी ई इज इक्वल्स टू, एनर्जी इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, या फिर वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी, या फिर वी आई टी, और सब में डिवाइड कर दो टाइम से तो आपके पावर के फॉर्मूला आ जाएंगे, बाकी यूनिट लिख सकते हो, एक डिफरेंस यूनिट भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट सॉरी जूल्स या फिर किलोवाट आर होता है, कमर्शियल यूनिट की बात करूं तो,
whereas power का यूनिट वॉट और किलो वॉट होता है, ठीक है, और डेफिनेशन दे सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट उसी का एक और पार्ट है, आउट ऑफ 60 वॉट, उसी में ही है ना, आउट ऑफ 60 वॉट एंड 40 वॉट लैंप, व्हिच वन हैज इलेक्ट्रिकल, व्हिच वन हैज हायर इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस व्हेन इन यूज, लेसर द पावर हायर इज द रेजिस्टेंस, लेसर द पावर हायर इज द रेजिस्टेंस, 40 वॉट लैंप, ठीक है ना, लेसर द पावर higher will be electrical resistance, P is equals to V square by R, ठीक है। Next, इसी का एक और पार्ट है, what is the commercial unit, kilowatt hour, उसका रिलेशन भी अपन लास्ट क्लास में डिराइव किए थे, 3.6 × 10⁶ जूल्स, ठीक है। Next, question number 18, draw labeled circuit diagram showing three resistors R1, R2, R3 connected in series with a battery E, a rheostat RH and a plug key K and an ammeter A using standard circuit symbols. ये हो जाएगा? Okay. Rheostat ऐसा कुछ बनाते ना, ऐसा दिखा देना, ठीक है, बाकी सर्किट आपका ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे रेजिस्टेंस लग जाएंगे, ठीक है, एमीटर लगा देना, की लगा देना, बैटरी हो जाएगी, R1, R2, R3 लग जाएंगे, क्या हो गया? एरो में तो जाएगा रेजिस्टेंस, सर वायर, ऐसा समझा नहीं, सर वो तो रेजिस्टर के टर्मिनल से कनेक्ट होना वायर, ये नहीं इस वाले को ये कनेक्टेड है रियोस्टेट से, तो ये वाला टर्मिनल, ये ओपन रहेगा, ये तो ऐसे भी आपका रियोस्टेट है ना, रियोस्टेट में यहीं से कनेक्शन रहता है, यही तो डिसाइड करेगा कि कहां आपको सर्किट कैसे बनाना है, अगर आप इसको पीछे खिसका दोगे तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि लेंथ बढ़ जाएगा, रियोस्टेट बेसिकली कर क्या रहा है, वहां पे आप बोल सकते हैं नॉब टाइप का कुछ होगा जिसको आप स्लाइड करोगे, ये स्लाइड होगा इसके ऊपर, ठीक है, ये अगर इस तरफ स्लाइड होता तो ये डिस्टेंस कम होगा ना, तो लेंथ कम हो रहा है मतलब हम इसका रेजिस्टेंस कम कर रहे हैं, और आप इधर पीछे करोगे तो ये रेजिस्टेंस, ये लेंथ बढ़ेगा, है ना, तो आप रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हो, तो एक्चुअली में ये है कि अगर ये इतना बड़ा रियोस्टेट है तो इस एरो को आप इसके ऊपर स्लाइड कर सकते हो, एरो को नहीं मतलब वहां पे जो डिवाइस होगा उसको आप स्लाइड कर सकते हो, ठीक है, और कनेक्शन करते समय आप उस दोनों को सीरीज में ही जोड़ोगे, एक तरह का सीरीज में ही जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या बोला है, use the circuit to show that same current flows through every part of the circuit, list two precautions you would observe while performing this experiment, kya kar sakte hain apan, teeno resistance ka current measure kar lenge ammeter se, hai na, to agar same current flow kar raha hai to apan prove kar diye ki series mein current same kyun ho raha hai, theek hai, aur precautions kya lena hai, connections tight hone chahiye kyunki apan humko pata hai ki ho sakta hai agar एक आध जगह लूज कनेक्शन होगा तो ओपन सर्किट हो जाएगा और करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है, एक प्रिकॉशन हो जाएगा कि द कनेक्शन शुड बी टाइट एंड प्रॉपर, ठीक है, और दूसरा क्या रहेगा, प्रिकॉशन बैटरी का टर्मिनल देख के रहेंगे अपन, पॉजिटिव नेगेटिव करंट का डायरेक्शन, ठीक है, बाकी तो ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, स्टेट ओम्स लॉ, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, इसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट होगा पर स्टेटमेंट भी लिखना है, ठीक है, करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, ठीक है, एंड V इज इक्वल्स टू IR, और ग्राफ भी बना दो, कितना काम करेंगे जब भी ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिखना है, स्टेटमेंट मैथमेटिकल रिलेशन, मैथमेटिकल रिलेशन में V क्या है, I क्या है, R क्या है लिखना भी है, आपको पता है, और ये मत सोचो कि सामने वाले को ही पता है, ठीक है, और लिखो वेयर V इज इक्वल्स टू पोटेंशियल डिफरेंस, I इज इक्वल्स टू करंट, R इज इक्वल्स टू रेजिस्टेंस, ठीक है, एंड देन ग्राफ प्लॉट करो बी और आई का प्रॉपर, वाई एक्सिस में बी लिख के, एक्स एक्सिस में आई लिख के, एंड स्ट्रेट लाइन, ठीक है, चलो नेक्स्ट और क्या बोला है, अच्छा इसको प्रूव भी करना है ना, व्हाट विल बी द, ओके
राइट द नेसेसरी कंडीशन फॉर इट्स वैलिडिटी, वो टेम्परेचर वाली, टेम्परेचर शुड बी कॉन्स्टेंट, ठीक है. और हाउ इज दिस लॉ वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली, जैसे आप लोग के भी ना वो दिया हुआ है एक एक्सपेरिमेंट, वोल्टेज या फिर आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो, एक है रखे हो बुक आप लोग. पेज नंबर 204 पूरा प्रोसीजर के साथ दिया हुआ है ना कि क्या क्या करना है हमें. पेज नंबर 204 देखा, तो वो सर्किट बनाएंगे, उसमें जितने पॉइंट्स अपन वो लिख लेंगे, दैट्स इट, उतना ही है कोई एक्टिविटी एक्चुअली ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है. देखा कुछ और पेज कह दिया है क्या, 204 का नहीं है क्या, ये तो है यहाँ से दिख रही है ब्लू वाला जो 204 कौन सा पेज है, ठीक है. वो एक्टिविटी दिख रही है, देखो अलग अलग वोल्टेज दिया, ऊपर डॉटेड लाइन दी हुई है वोल्टेज की, मतलब पहले आप पोटेंशियल वी वोल्ट रखोगे, फिर आप पोटेंशियल 2V वोल्ट कर दोगे, फिर पोटेंशियल 3V वोल्ट हो जाएगा, और फिर पोटेंशियल 4V वोल्ट. तो आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो तो करंट बढ़ेगा, तो आपको अलग अलग वोल्टेज पे रीडिंग को नोट करना है, एंड देन ग्राफ ड्रॉ करना है, यू विल फाइंड द स्ट्रेट लाइन, ठीक है. चलो नेक्स्ट पेज नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 20, डिफाइन इलेक्ट्रिक पावर हो जाएगा ये, इट इज अ रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है. एक्सप्रेस इट इन टर्म्स ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस वी एंड रेजिस्टेंस आर, वी स्क्वायर बाय आर. आगे एन इलेक्ट्रिकल फ्यूज इज रेटेड 2 एम्पियर, व्हाट इज मेंट बाय दिस स्टेटमेंट, क्या मतलब है फ्यूज अगर 2 एम्पियर का है तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है ना, इट कैन नॉट इट विल नॉट अलाउ द करंट ऑफ करंट ग्रेटर देन 2 एम्पियर टू फ्लो थ्रू इट, अगर ऐसा करने की कोशिश की तो फ्यूज जो है वो ग्लो हो जाए, ठीक है. द फ्यूज विल मेल्ट इफ करंट ऑफ 2 एम्पियर इज फ्लोन थ्रू दैट फ्यूज, द फ्यूज विल मेल्ट. नेक्स्ट उसी का एक और है, एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ 1 kW इज ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, ठीक है. Find which of the following fuses that respectively rated 1 ampere, 3 ampere, 5 ampere can be used in it. Power दिया है, voltage दिया है, current निकाल लो, है ना? यहाँ पता चलेगा हमें कि current क्या होने वाला है, उसके हिसाब से fuse लगा देंगे, उससे ज्यादा value का fuse नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं ना? उसी के आसपास की values का ही fuse लगेगा. निकालो तो कितना है current इसका, power है 1 kW, try करो. Power is 1 kW and V is equals to 220 volt. Current निकालो तो I is equals to P by V करके कितना है 4.54 volt. तो अब आपके पास 3 fuse है, 1, 3, 5, तो कौन सा लगाएंगे, 5 का लगाएंगे. सबका 4.54 करंट, अगर 4.54 है तो 3 एम्पीयर का फ्यूज नहीं लगाएंगे, समझ रहे हैं, बार बार फ्यूज मेंट हो जाएगा, क्योंकि वो तो आयरन 4.54 एम्पीयर करंट ड्रॉ करेगा सर्किट से, सर्किट से वो 4.54 एम्पीयर मांगेगा, और आपने फ्यूज अगर उससे कम का लगा दिया तो फ्यूज बार बार जल जाएगा, समझ गए ना. चलो नेक्स्ट 21, राइट रिलेशन बिटवीन हीट एनर्जी प्रोड्यूस इन अ कंडक्टर व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस वी इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स टर्मिनल एंड अ करंट आई फ्लोस थ्रू इट फॉर टी सेकंड्स. एच हीट एनर्जी ना, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी, है ना. अरे इसी के बाद तो वी इज इक्वल्स टू आई आर रख के आई स्क्वायर आर टी निकाले थे, अरे हाँ है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, एच इज इक्वल्स टू वी आई टी. नेक्स्ट क्वेश्चन
स्टेट डिफरेंस बिटवीन द वायर यूज्ड इन द एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक हीटर एंड अ फ्यूज वायर, क्या डिफरेंस है दोनों में? और कुछ रेजिस्टिविटी भी, रेजिस्टेंस जो अपन इलेक्ट्रिक हीटर में लगा रहे उसका रेजिस्टिविटी हाई होगा, रेजिस्टेंस हाई होगा, ठीक है? उसमें अपन फ्यूज में आप कोई एलॉय भी यूज कर सकते हैं, अल्टीमेटली मेल्टिंग पॉइंट वाला एक पॉइंट हो जाएगा और दूसरा रेजिस्टिविटी होगा। मेल्टिंग पॉइंट कम रखेंगे फ्यूज वाले का और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा रहेगा, दूसरा रेजिस्टिविटी हीटर वाले वायर की ज्यादा रहेगी, इसकी रेजिस्टिविटी कम होगी, ठीक है? नेक्स्ट 23, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट। देखो क्या क्या आ रहा है, कनेक्शन कैसा है, कितना रेजिस्टेंस कितना है टोटल, पहले क्या सोल्व करेंगे, वो जो बीच का दिख रहा है ना 6 और 1 4 1 3 का, 1 3 क्या है सीरीज में, तो 4 हो गया उसका, अब 6 और 4 पैरेलल में है, प्रोडक्ट अपॉन सम करो 24/10 यानी कि 2.4, अब तीनों को ऐड कर दो 3.6 + 2.4 = 6, 6 + 3 = 9, समझ में आ रहा है क्या? अब फिर से देखो 6 is in parallel with 4 और यहां पे है आपका 3.6 और यहां है आपका 3, इनका पैरल कॉम्बिनेशन प्रोडक्ट अपॉन सम विच विल बी 2.4 ओम, 3.6 + 2.4 + 3 विल बी 9 ओम, करेंट कितना वोल्ट की बैटरी है, 4.5 वोल्ट की बैटरी है, तो I = V/R 4.5/9 दैट इज 1/2 यानी कि 0.5 एम्पीयर, ठीक है? इस तरह से क्वेश्चन को बनने चाहिए। 24, एन इलेक्ट्रिक बल्ब ऑफ रेजिस्टेंस 200 ओम ड्रॉज अ करंट ऑफ 1 एम्पीयर, R दिया है, I दिया है, ठीक है? कैलकुलेट द पावर, तो P = I/R, आई और आर दिया तो I/R यूज कर लेंगे, ठीक है? पावर के सिर्फ 3 फॉर्मूले है ना हमारे पास, डिपेंडिंग अपॉन हमारे पास क्वांटिटी क्या क्या गिवन है, VI गिवन होगा तो V × I निकालेंगे, IR गिवन होगा तो I² × R निकालेंगे, VR गिवन होगा तो V² / R निकालेंगे पावर के लिए, 200 वॉट, ठीक है? आगे एंड द एनर्जी भी निकालना है किलोवाट आर में, तो पहले आप उस पावर को कितना बोला, पावर 200 वॉट यानी कि 0.2 किलोवाट है ना, कभी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने बोला तो अपन किलोवाट आर में बोला है निकालने के लिए। हाँ कितने घंटे तक चल रही है, 5 घंटे तक, तो एनर्जी कितनी हो जाएगी, एनर्जी इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम 0.2 × 5 दैट इज 1 किलोवाट आर, 1 यूनिट, 1 किलोवाट आर मतलब 1 यूनिट, कहा बोला है पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बोल रहा है कैलकुलेट द पावर ऑफ द बल्ब द पोटेंशियल डिफरेंस एट एंड एंड द जर्नी, अब पोटेंशियल डिफरेंस भी निकाल सकते हैं P = V / I, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ो, ड्रॉ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ 3 सेल्स एंड एन इलेक्ट्रिक बल्ब एमिटर प्लग की इन द ऑन मोड एंड अनदर विद सेम कंपोनेंट्स बट विद 2 बल्ब्स इन पैरेलल एंड अ वोल्टमीटर अक्रॉस द कॉम्बिनेशन। तो एक बार एक बल्ब लगाना है सीरीज में, ये रहा एक बल्ब, और क्या क्या लगाने बोला है, एमीटर और प्लग की ऑन मोड में, इसलिए यहां पे डॉट लगाना है, जानबूझ के ऑन मोड लिखा था कि आप डॉट लगाओ, है ना? डॉट लगाना बोल दिया मतलब वो ऑन मोड नहीं है, वो ऑफ मोड हो जाएगा, ठीक है? और क्या बोला है, 3 बैटरीज 3 सेल्स, ठीक है? अब सेम सर्किट के साथ आपको 2 बल्ब लगाने हैं बैक टू इन पैरेलल, ठीक है? और पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों के बीच का कैलकुलेट करना है हमको, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल ये वोल्टमीटर लगा दूंगा पैरेलल में, ठीक है? और बाकी तो सेम रहेगा, एमीटर और लग की और
क्लियर है, इसमें माइनस प्लस जरूर लिखते रहे, ठीक, बैटरी का प्लस से, ठीक है, बना लो सब चीज बनाना है, चलो मैं भेज दूंगा जो भी किया मैंने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, ये कौन सा क्वेश्चन हुआ, क्वेश्चन नंबर 25 और ये था क्वेश्चन नंबर 26। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फ्यूज इन सीरीज विद एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इन इलेक्ट्रिक सर्किट, व्हाई शुड अ फ्यूज विद डिफाइंड रेटिंग फॉर इलेक्ट्रिक सर्किट नॉट बी रिप्लेस बाय वन विद अ लार्जर रेटिंग। मतलब जैसे वो इलेक्ट्रिक आयरन वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने 4.54 एम्पियर निकाला था करंट और ये बोला था कि सर 5 एम्पियर का फ्यूज लगाएंगे, तो पहले तो वहां पे 5 एम्पियर का रोल क्या है कि वो फ्यूज उस सर्किट में 5 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो होने नहीं देगा, इसलिए उसको लगाया गया है। ये हमें पता है कि इलेक्ट्रिक आयरन 5 एम्पियर से ज्यादा करंट नहीं झेल पाएगा तो खराब हो सकता है अप्लायंस, तो वहां पे आपका रोल क्या है फ्यूज का, टू सेव द अप्लायंस, समझ रहे। अब अगर आपने उसकी उसमें 5 एम्पियर की जगह मान लो 7 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया या 6 एम्पियर का फ्यूज लगा दिया, तो अगर 6 एम्पियर करंट आया तो वो फ्यूज उसको आसानी से पास करने देगा और वो 6 एम्पियर करंट जाके आपके आयरन को खराब कर देगा, समझ रहे, ठीक हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 पढ़ो जल्दी से। एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज रेटेड 60 वॉट 240 वोल्ट, ठीक है, रेजिस्टेंस निकल जाएगा P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर करके, आपको पावर दे दिया है, आपको वोल्टेज पता है, तो P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर करके आर निकल जाएगा। सेकेंड पार्ट बोला है द वोल्टेज ड्रॉप्स टू 192 वोल्ट, अब वोल्टेज ड्रॉप होके 192 हो गया है, तो अब वी स्क्वायर की जगह अपन 192 रखेंगे, 220 का स्क्वायर रखते थे, 240 का स्क्वायर रखते थे, अब 192 का स्क्वायर रखेंगे। कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड एंड द करंट ड्रॉन बाय द बल्ब, अज्यूम दैट द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब रिमेन अनचेंज्ड। मतलब कि पहले फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस निकालना पड़ेगा, निकालो फर्स्ट पार्ट का रेजिस्टेंस, क्या क्या दिया आपको, क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी सॉल्व करो उसको। आपको दिया है पहले पावर आपका 60 वॉट है और वोल्टेज है 240 वोल्ट, ठीक है, और इसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है, फर्स्ट पार्ट तो ये है, ठीक है, उसके बाद जो भी रेजिस्टेंस आएगा आपका। सेकंड पार्ट में क्या बोला है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस कम होके हो गया 192 वोल्ट, इसका करंट आपको निकालना है और रेजिस्टेंस सेम रखना है, रेजिस्टेंस शुड बी सेम, क्या पहले रेजिस्टेंस तो बताओ इसका, P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय आर होगा, तो R इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाय टी, 220 इंटू 220 अपॉन 60 कितना आ रहा है, 960 हो, ठीक है, यही रेजिस्टेंस मेंटेन करना है बाद में भी, ठीक है, 240, अच्छा सॉरी 240 इंटू 240 आपको 240 लिया हो ना, 960, ओके। अगला पावर निकालो, इसके लिए पावर निकालो v स्क्वायर, अब 192 इंटू 192 होगा अपॉन 960, करंट हमको रेजिस्टेंस सेम चाहिए ना, 960 पावर निकालो, p इक्वल्स टू v स्क्वायर बाय, जल्दी इसका पावर बताओ मुझे, ये जाएगा इससे है ना, ये 96 का सर डबल है, नहीं 192 जनरली क्वेश्चन ऐसा ही होगा, कैलकुलेशन आपको ज्यादा नहीं करना पड़ेगा, तो दिमाग लगाना पड़ेगा, ये चला जाएगा 10 टाइम्स में, ये जाएगा 2 टाइम्स, ठीक है, फिर ये गया ये 5 टाइम्स, बस इतना ही करना है, कितना आएगा ये 3, आगे देखो 3 बार में 4 बचा, 8 टाइम्स में 38.4 वॉट, ये आपका सेकेंड बल्ब का पावर, मतलब बल्ब वही है पर क्योंकि आपने उसको वोल्टेज कम में कनेक्ट कर दिया ना, तो अब उतना पावर कंज्यूम नहीं करेगा वो, समझ लो, पहले आपने उसको टू, उसका रेटिंग क्या है, वो 60 वॉट की तरह कब बिहेव करता है, जब उसको 240 वोल्ट की सप्लाई मिलती है, व्हेन इट गेट्स द सप्लाई ऑफ 240 वोल्ट इट कंज्यूम्स 60 वॉट ऑफ पावर, बट अब उसको वोल्टेज उतना नहीं मिल रहा ना, लो वोल्टेज हो गया घर में, तो पावर उतना नहीं रहेगा उसका, इसलिए वो डिम हो जाता है, कौन वाली बात, ओके। अब करंट भी निकाल लो, करंट कितना आएगा,
0.2 क्या किया 192 अपॉन ये तो पावर है ना P is equals to V into I तो I आपका is I will be is equals to P upon P ठीक है that is P upon R sorry V is equals to I R use कर रहे हैं ना अपन 192 is V I निकालना है अपॉन R R कितना है 960 ठीक है तो अगेन वही 2 by 10 यानी कि 0.2 ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 पढ़ो जल्दी से किसमें ये वाला में अच्छा हाँ पढ़ लो ना सब बस चार्ज पोसेस बाय एन इलेक्ट्रॉन गिवन है ये हमको पता भी होना चाहिए 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल फ्लो पर सेकंड टू कंस्टिट्यूट अ करंट ऑफ 1 एंपियर 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए E गिवन है 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम करंट गिवन है I is equals to 1 एंपियर और टाइम गिवन है 1 सेकंड ठीक है अब Q होता है आपका I into T तो 1 एम्पियर into 1 सेकंड यानी कि 1 कूलम इतना चार्ज होगा अब हमें पता है 1 कूलम और ये Q is equals to N into E होगा E N निकल जाएगा Q by E करके पहले जो चार्ज और जो करंट और टाइम दिया उससे चार्ज निकाल लिए और चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन है Q is equals to N से निकल जाएगा ठीक है 29 टू डिवाइसेस ऑफ रेटिंग दोनों का डिवाइसेस का रेटिंग दिया है 44 वॉट 220 वोल्ट है एक 11 वॉट 220 वोल्ट है आर कनेक्टेड इन सीरीज दोनों का रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं अलग अलग हाँ क्वेश्चन नंबर 29 फर्स्ट जो आपका दिया है वो दैट इज पी वन दिया है 44 वॉट वी वन दिया है 220 वोल्ट फिर पी टू दिया है 11 वॉट एंड V2 है 220 वोल्ट इससे पहले R1 निकाल लो इससे R2 निकल जाएगा रेजिस्टेंस और इन दोनों को सीरीज में लगाना है वही बोला ना दे आर कनेक्टेड इन सीरीज उसके बाद बोला है द कॉम्बिनेशन इज कनेक्टेड अक्रॉस अ 440 वोल्ट मेन सप्लाई मतलब V इज इक्वल टू 440 वोल्ट इसका पहले रेजिस्टेंस निकाल दो कितना कितना आएगा जल्दी इसका कुछ वाले का 1100 ओम और इसका चलो निकालें डबल फोर ठीक है ऐड करने पे आ जाएगा 5500 ओम सीरीज में है ना ऐड हो जाएंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो आर एस इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू दैट विल बी 5500 ओम ठीक है नाउ करंट कितना लेगा ये पूरा सर्किट आई इज इक्वल टू वी बाय आर करेंगे सॉरी हाँ आई इज इक्वल टू वी बाय आर आर आपका 5500 है और वी 220 नहीं है 440 है देखो तो आई इज इक्वल टू V by R 440 upon 5500 देखो तो कितना आएगा कॉल कर लेते हैं 0.08 MV ठीक है क्या बोला अगला इसी में ही द फ्यूज ऑफ विच ऑफ द टू डिवाइसेस इज लाइकली टू बर्न व्हेन द स्विच इज ऑन क्यों क्यों जलेंगे दोनों Thank you.
कि फोर वोल्ट हां तय करेगा। अरे बल्ब जलाना नहीं है The fuse of which of the two devices is likely to burn when the switch is on? मतलब कौन करंट नहीं झेल पाएगा ये पूछ रहा है, मतलब किसके लिए करंट ज्यादा हो रहा है। और ठीक अगर निकालते हो दोनों के लिए आई स्क्वायर आर इंटू टी करके एक एक सेकेंड जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा वो ज्यादा हीटअप हो रहा होगा, समझ रहे, तो जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस है वो ज्यादा हीटअप हो रहा होगा और वो जल्दी उसका फ्यूज उड़े। ठीक है, चलो नेक्स्ट। अब 30 से लेके 37 तक आप लोग देखना, ठीक है, 37 क्वेश्चन था ना, तो बाकी 7 क्वेश्चन आप लोग देखना, कुछ डाउट होगा तो नेक्स्ट क्लास से पूछना, अदरवाइज संडे को उसका टेस्ट रहेगा इंक्लूडिंग प्रीवियस टू चैप्टर्स। चलो अभी जो जो टेस्ट किए थे कल वो रुक जाएंगे, कौन कौन है, एक दो तीन चार पाँच, पाँच उसकी पहले पूछ कर रहे थे क्यों आप उपलब्ध अंशिक रूप से मिलते जाओ ना पीछे बैठो, लास्ट बेंच पे लोग रहेगा और आप लोग सेकंड लास्ट बेंच पे अभी हाँ declared
सारे दो चैप्टर का एमसीक्यू ठीक है। हाँ ठीक है मैं देख
दो चैप्टर पूरे पूरे हाँ तो पूरे बोली थी सर उस दिन 9 बजे तक थे। हाँ मेरे को पता है तो अब याद रखना अब 9 बजे तक 10 बजे तक आप जितना हो उतने देर बैठो काम तो देखियो कर के लिए है ना यहाँ पे बैठे रहते तो काम करते कोई प्रॉब्लम नहीं होती। कल सबका दोनों चैप्टर का मैं चेकिंग करूंगी ना उसके बाद ही आगे पढ़ाऊंगी याद रखो। ऑल बैक टॉप ऊपर क्या होता है वर्क का टॉप तो कहीं भी हो सकता है ना कंधों में काढ़ा लगता है अरे बाप रे और किस बात होता है देखिए क्या क्या गलतियां हैं क्या गलतियां है पहले तो डायग्राम नहीं है ना नीचे डायग्राम बना तो उसमें एक्स्ट्रा स्टार था पहले पहला चीज है ना उसके बाद दूसरा ठीक है तीसरा देखो मैंने पोल स्टार का ओए अलग तीसरा जो पोल स्टार को लोकेट करने वाला आंसर है उसमें भाई बना के दिखाना ना कैसे पोल स्टार आएगा ऐसा मेथड बनाना है और फिर से बताना है कि ये इसको एक्सटेंड करेंगे टेल को तो पोल स्टार आएगा उसके लिए ऐसा टेल को एक्सटेंड करना है वो पता है बाकी बता दूंगे तो और अच्छा भी लगेगा है तब लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आप लोग तो नॉर्थ में लिख दिया नॉर्थ में है ट्रेलर उसको देख के आगे बढ़ते हैं फिर लाइट केयर वाला ठीक है और ये मून वाले आंसर को थोड़ा अच्छे से इलेबोरेट करना है ना क्यों होता है फेसेस ये भी तो बताओ कहीं कुछ नहीं था कि अर्थ ये मून का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट रिफ्लेक्ट कर रहा है सन की लाइट को तो हम उसका इतने पार्ट दिख रहा है कहीं भी कुछ पूछा नहीं था तो दिया तो हमने और उसको सारे
फेसेस बता रहे हैं कि चार लिख के एक्सेट्रा एक्सेट्रा बोल रहा हूं अभी नंबर लिख के दे दियो 1.5 एक्सेट्रा फिर ये एस्टेरॉइड गेटर्स के बारे में कुछ अच्छे से पॉइंट्स नहीं लिखे आपने शॉर्ट नोट लिखना है मतलब एटलीस्ट चार पांच पॉइंट तो लिखो अरे जितना दिया उतना भी तो बाहर निकल ये कितना बड़ा पैराग्राफ दिया है अनवे तू कितना लिखा है तो दिखा पेपर निकाल एटलीस्ट डिफाइन तो करो मत डिफाइन भी प्रॉपर नहीं है शूटिंग स्टार बोलते हैं ये सब लिखो इसको शूटिंग स्टार बोलते हैं अगर मीटियोर लार्ज है इट मे फॉल ऑन द अर्थ सरफेस बिफोर बिफोर बर्निंग आउट उसको अपन मीटियोराइट बोलते हैं आज पेट्रोलियम हमारा सर लीटर अच्छा आप तीनों का नहीं बाकी आप पांचों का तो आ रहा है कोई पेट्रोल नहीं है चार लोग का नहीं पांच लोग का चलो कोई पेट्रोल निकालो बुक 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 सामने करो इधर सेम है भाई बुक लेना अच्छा बुक ले दिया हमने हम अरे फॉसिल फ्यूल्स का फॉसिल क्या होते हैं फॉसिल्स डेड रिमेन्स ऑफ ओल्ड एनिमल्स तो दीज आर फॉसिल फ्यूल जो कि इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर और प्रेशर में अल्टीमेटली दे हैव बीन कन्वर्टेड इनटू समथिंग कुछ लैंड के नीचे वाले जिनको हम कोल बोल रहे हैं और कुछ सी के नीचे वाले जिनको हम पेट्रोलियम बोल रहे हैं ठीक है तो नेचर प्रोवाइड्स अस विद लॉट्स ऑफ यूजफुल थिंग्स टू फुलफिल आवर नीड्स दीज यूजफुल थिंग्स प्रोवाइडेड टू अस बाय नेचर आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज वी शुड बी यूजिंग दोस रिसोर्सेज जुडिशियसली ठीक है इसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन नहीं करना The water we drink, ये natural resources, the air we breathe, natural resources, soil, sunlight, all these are natural resources. Trees are one of the most important natural resources. We use almost every part of tree for various purposes. है ना? Tree का हर part use करते हैं हम, wood से लेकर के leaves. ठीक है? Leaves कंपोस्ट के तौर पे कर सकते हैं कि यूज़ कर रहे हैं
और ऐसे में तो इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं ना, कोई भी खाना बना रहे हो अल्टीमेटली टू स्टोर दैट स्टार्च. नेक्स्ट, वी यूज ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ ट्रीज फॉर वेरियस पर्पसेस. वुड इज यूज्ड टू मेक फर्नीचर, इट इज आल्सो यूज्ड अ हर. तो नेचुरल रिसोर्सेज बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक रिन्यूएबल एक नॉन रिन्यूएबल. एग्जॉस्टिबल इनएग्जॉस्टिबल, ऐसे रिसोर्सेज जो एग्जॉस्ट हो जाएंगे और ऐसे रिसोर्सेज जो कभी एग्जॉस्ट नहीं हो सकते. तो रिन्यूएबल को अपन एग्जॉस्टिबल बोलेंगे क्योंकि वो बार बार रिन्यू हो रहे हैं, इसलिए कभी एग्जॉस्ट नहीं होते, खत्म नहीं होते. और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस एक समय पे आपके खत्म हो जाएंगे, तो दे आर इनएग्जॉस्टिबल. नेचुरल रिसोर्सेज कैन बी ग्रुप्ड इनटू टू डिपेंडिंग अपॉन देयर अवेलेबिलिटी, रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल. यहाँ गलत लिखा है ना, रिन्यूएबल में एग्जॉस्टिबल लिखा है ना, वो बॉक्स के अंदर आप ठीक कर लेना. रिन्यूएबल को इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं और नॉन रिन्यूएबल को एग्जॉस्टिबल. अंदर सही है, रिन्यूएबल और इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज. दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक एयर, वाटर, सनलाइट, व्हिच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट. इन अनलिमिटेड अमाउंट में इसके कभी एग्जॉस्ट नहीं होंगे. दीज कैन बी कंटिन्यूअसली रिप्लेनिश्ड, मतलब बार बार उसको रिचार्ज किया जा सकता है. हेंस कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड, अभी उनको इनएग्जॉस्टिबल बोलते हैं. और वही नॉन रिन्यूएबल या एग्जॉस्टेबल, ये वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे जो लिमिटेड क्वांटिटी में, और हमने इसका अगर ओवर यूज किया तो एक टाइम आएगा तो खत्म हो जाएगा, जैसे कोल एंड पेट्रोलियम. दीज आर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक कोल एंड पेट्रोलियम, विच आर प्रेजेंट इन लिमिटेड अमाउंट इन नेचर. दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड कंटिन्यूअसली, मतलब हो सकते हैं बट उनका जो रिप्लेनिशिंग का रेट है ना वो बहुत स्लो है ना, हजारों साल लग जाते हैं उसको कोल में कन्वर्ट होने के लिए. You will not be able to see the coal in your life. You will not be able to see the coal in your life. And hence can be exhausted. Let's learn about a very important natural resource, the trees. They are the most important gift of nature to us. Trees are useful for us in many ways. They provide us fruits, vegetables, clothes, medicine.